इंडस्ट्री से किस तरह का फीडबैक मिल रहा है। इंटरेस्ट सबवेंशन ऋण जो है वो सस्ती से सस्ती दर पर मुहैया कराए जाए। पार्शियल कर्फ्यूज है या फिर कई जगह कंप्लीट लॉकडाउन भी है। ज्यादा स्टॉक ना करें, वर्तमान सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाएं। बजट होटल्स हैं, क्यों नहीं उनको आइसोलेशन सेंटर बनाया जाता। ये जो मोरेटोरियम फैसिलिटी हमारे को गवर्नमेंट ने दी, क्या वो ब्लेसिंग थी? नमस्कार, ये दौर काफी मुश्किल भरा है। कोविड की दूसरी लहर का कहर जारी है, इसके कारण देश में ह्यूमन रेस पर संकट आ गया है। इसका असर जिंदगी के हर पहलू पर देखा जा रहा है। वहीं कारोबारियों, खासकर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए कोविड ने संकट गहरा दिया है। इसी अहम क्षेत्र की चुनौतियों का जायजा लेने के लिए हमने एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन की शुरुआत की है। मेंटर्स के साथ मिलकर हम छोटे कारोबारियों की हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। पुणे, फरीदाबाद जैसे प्रमुख एमएसएमई सेंटर्स का रुख करने के बाद आज हम आगरा पर फोकस करेंगे। आगरा में लेदर, टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट के अलावा कई अन्य सेक्टर्स में एमएसएमई काम कर रहे हैं। आज एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं राकेश गर्ग, वाइस चेयरमैन यूपी स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन यूपी एसआईसी। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं पूरन डावर, प्रेसिडेंट आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स चेंबर। आप दोनों का ही शुक्रिया। डावर साहब, शुरुआत में आप हमें बता सकें, इस दूसरी वेव का काफी बुरा असर देखने को मिल रहा है जिंदगी और कारोबार दोनों पर। एमएसएमई काफी ज्यादा दबाव में है इस बेहद अनसर्टेन एनवायरनमेंट में। आपको इंडस्ट्री से किस तरह का फीडबैक मिल रहा है ग्राउंड से? सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारी लिक्विडिटी की योजना एमएसएमई के लिए, अलग अलग रीस्ट्रक्चरिंग प्लान्स और सब कुछ दिया, लेकिन वो मैं ना काफी तो नहीं कहूँगा, लेकिन जब तक उठने का लोगों को प्रयास हुआ, लोगों ने ऐसे नए सेक्टर्स में प्रवेश करने का प्रयास किया जो आयात की जा रहे थे अब तक, उनको उनमें प्रयास किया जाने का, लेकिन जब तक वो अभी पूरी एस्टेब्लिश अपने आप को कर पाते तब तक ये देखने को मिला कि दूसरी लहर आई और दूसरी लहर इतनी घातक सिद्ध हो रही है कि ये भले ही पिछली बार लॉकडाउन रहा, उस लॉकडाउन ने कमर कहीं ज़्यादा तोड़ी थी, इस बार सरकार ने अच्छा निर्णय किया है कि पूरा लॉकडाउन नहीं किया है। प्रदेश सरकारें अपने अपने आवश्यकता के अनुसार जो है लॉकडाउन कर रही हैं, जहां ज़रूरी है वहां कर रही हैं, वो उसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। लेकिन ये जितने भी लॉकडाउन हो या नाइट कर्फ्यू हो या हो, इनसे मांग में निरंतर कमी हो रही है और मांग में कमी होने से एक द्वारा से संकट खड़ा हो रहा है। और मेरी जो सबसे ज़्यादा रहती है कि कोई कैश सब्सिडी की अपेक्षा न करके हम लोग जो अपेक्षा करते हैं कि इंटरेस्ट सबवेंशन ऋण जो है वो सस्ती से सस्ती दर पर मुहैया कराए जाएं, ताकि हम उद्योग जो है वायबल बन सके, समय के साथ में खड़े हो सके और वायबल बन सके। राकेश जी, जैसे ग्राउंड सिचुएशन के बारे में डावर साहब ने बताया है, आप हमें बताइए कोविड से निपटने के लिए राज्यों की तरफ से अपने अपने हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही हैं। कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं, कहीं नाइट कर्फ्यूज हैं तो कहीं पर हम देख रहे हैं वीकेंड लॉकडाउंस हैं, पार्शियल कर्फ्यूज हैं तो या फिर कई जगह कंप्लीट लॉकडाउन भी है। इसको आप इंडस्ट्री के नजरिए से कैसे देख रहे हैं? अप्रैल के माह में हमने ये अनुभव किया कि 5 से लेकर 10% तक के बीच में इंडस्ट्रीज सफर की है। कुछ जगह पर लॉकडाउन है, कुछ जगह पर नहीं है, इसके कारण से बाजार अधिकतर बंद से हो रहे हैं। ये बात ठीक है, इंडस्ट्रीज को उन्होंने अलाउ कर रखा है लगभग पूरे देश में, लेकिन मई का जो महीना हमें दिख रहा है इस पर हमें ये लगता है कि उद्योगों पर अप्रैल से भी ज़्यादा इसमें नुकसान हो सकता है। हम लोगों को समझाने में भी लगे हैं कि भाई किसी भी तरीके से अपने उद्योग में आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, ज़्यादा स्टॉक ना करें, वर्तमान सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाएं, हम इसमें पूरा प्रयास कर रहे हैं। डावर साहब, ये बता सकें इस दूसरी वेव से निपटने के लिए आरबीआई की तरफ से भी कदम उठाए गए हैं रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। वो एसएमईज एलिजिबल हैं जिन्होंने पिछले साल लोन्स को रीस्ट्रक्चर नहीं किया था और उनके खाते भी स्टैंडर्ड अकाउंट की श्रेणी में आने चाहिए मार्च 2021 तक। इसमें ऑलमोस्ट 25 करोड़ तक के लोन्स हैं जो इसमें एलिजिबल होंगे। कैसे देखते हैं आप इसको? पिछली बार जब
ये लहर समाप्त हुई थी उसके बाद में निर्णय लिए गए थे, अब की बार बीच में ये निर्णय लिए हैं और ये स्वागत योग्य कदम है कि 50,000 करोड़ का एक पैकेज बीच में लाया गया, जो रिस्ट्रक्चरिंग जो जिन्होंने पिछले वर्ष नहीं कराई थी वो अब करा सकते हैं, और कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में ऋण भी कम रेट पर दिए गए हैं, और बैंकों के पास भी जिनके पास अभी जो फंड्स हैं जो उनके पास डिपॉजिट्स हैं वो प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो वो रेपो रेट से पर बैंक में दे सकते हैं, और उनका ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इससे बढ़ करके अभी लोगों की अपेक्षाएं हैं उनको करनी होगी। मेरा ये मानना है कि इंटरेस्ट सबवेंशन जो है एक बहुत बड़ी जरूरत है कि लोगों को बहुत सस्ती रेट पर ऋण मिल सके। राकेश जी ये बता सकें स्मॉल बिजनेसेस को और कैसे सपोर्ट किया जा सकता है इस एनवायरनमेंट में, सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए? जो पिछले साल मोरेटोरियम लगाया गया था ईएमआई को पे करने में, वह 2 साल के लिए फिर उसको पोस्टपोन कर दिया है। निश्चित तौर पर छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी एक राहत होगी, क्योंकि पिछला साल जो आपने कहा लॉकडाउन के कारण से उनकी ईएमआई पे नहीं हो पा रही, जब शुरू करने का मौका आया वो पुनः लॉकडाउन लग गया, पुनः कोरोना की वेव ने हमें हिला दिया, तो आरबीआई का ये कदम से हमें काफी राहत मिलेगी ऐसा हमें लगता है। डावर साहब ये बता सकें जहां तक वर्कफोर्स की बात है उनमें भी डर है, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए निश्चित रूप से वर्कफोर्स पर एक बहुत बड़ा संकट है, और मांग की कमी की होने की वजह से चाहे लॉकडाउन न किया जाए या कर्फ्यू न भी लगे तो निश्चित रूप से मांग की कमी तो आई है, और मांग की कमी होने के कारण फैक्ट्रीज पूरे वर्किंग आवर्स में नहीं चल सकती। मेरा सुझाव यही है कि हम किसी भी कर्मचारी को हटाए नहीं, अपने वर्किंग आवर्स को कम कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं, और कम से कम 50% तो वर्कफोर्स को मिलना ही चाहिए जो उनके सर्वाइवल के लिए बहुत आवश्यक है। राकेश जी इससे पहले कि हम आगरा के जो इंडस्ट्री की तरफ से सुझाव आए उन्हें शामिल करें, आप स्मॉल बिजनेसेस को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस दौर में उनके सर्वाइवल को लेकर ही सवाल खड़े हो गए हैं। आपने माइक्रो के विषय में भी मुझसे कहा कि निश्चित तौर पर देश में ये जानते आपको भी आश्चर्य भी होगा और साथ में आप जानते भी होंगे 4 करोड़ माइक्रो यूनिट्स हैं। एक इंडिपेंडेंट आदमी भी अकेला आदमी भी माइक्रो यूनिट खुद ही अपना काम करता है और उसके साथ में काम करने वाली। और एक बात और खूबी हमारे देश की माइक्रो इंडस्ट्रीज की मैं आपको बताऊंगा सौरभ जी कि वह थोड़ा फ्लेक्सिबल है, वो वक्त परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालने का प्रयास करता है और इसीलिए वो टिका है, वो अडामेंट नहीं होता, वो जैसी परिस्थिति होती है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि 10 लेबर से कम अधिकतर माइक्रो है, उनको डायरेक्ट टैक्स कोई ना कोई उनके डायरेक्ट बेनिफिट उनके खाते में मिलना चाहिए क्योंकि उनका ईएसआई में कवर नहीं है, सरकारी किसी भी तरह का इंश्योरेंस ना होने के कारण से या कोई भी इंश्योरेंस कवर ना होने के कारण से सबसे ज्यादा रिस्क है उसको हम चाहेंगे कोई ना कोई डायरेक्ट उनको बेनिफिट मिलना चाहिए सरकार से, ये हमारी अपेक्षा है और इसमें प्रयास करते हैं। देखो मेरा एमएसएमईज को एक साफ कहना है, बहुत खराब समय है, पेंडेमिक काल है, आप अपनी इंडस्ट्रीज के लिए फ्लेक्सिबल हो जाइए, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें, कच्चा माल तैयार माल एज अ रिक्वायर्ड ही खरीदें, क्रेडिट उधारी को नियंत्रित करें। आपको इस पेंडेमिक काल में कोरोना काल में कुछ समय भी मिलेगा, अच्छा रहेगा, आप इस समय में कुछ नया क्या कर सकते हैं अपनी इसी फैक्ट्री के सेटअप में, इन्हीं मॉडल पर इस पर बिल्कुल विचार करें। अपव्यय आपका जो एक्स्ट्रा पेमेंट होता है या आपको फालतू पैसा जाता है उस पर कोशिश करें, उस पर विचार करें, उसे नियंत्रित करें, कैसे कर सकते हैं देखें। और कॉस्ट कटिंग ये बहुत सही समय होता है कॉस्ट कटिंग, जब आपकी आदमी इंडस्ट्री थोड़ा तकलीफ में होती है तो वह इस समय उनको कॉस्ट कटिंग के बारे में, कॉस्ट को कैसे भविष्य में भी कैसे कम रख सकते हैं अपने उत्पाद की, उस पर विचार करना चाहिए। और अंत में आपका अपना उद्योग परिवार है प्रत्येक उद्यमी का, उसके अंदर उनके श्रमिक भी हैं, स्टाफ हैं, उनका बायर हैं, उनके सप्लायर हैं, उन सब का ये बहुत कठिन परिस्थिति 100 साल में एक आध बार आती है जैसे आप सब जानते हैं, उन सब का शारीरिक मानसिक आर्थिक स्वास्थ्य ये कैसे अच्छा बना रहे इसका चिंतन भी हमको लघु उद्यमों को करना चाहिए। और निश्चित तौर पर आज जैसे हमें मार्च में नहीं मालूम था अप्रैल में क्या होने वाला है,
और मैं मेरे को ये लग रहा है हम अभी ये नहीं बता सकते मई के बाद जून में क्या होने वाला है। हो सकता है ये खराब वेव जिस तेजी से आई हो चली जाएगी, लेकिन आप अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित बना के रखिए, पूरी चिंता कीजिए उद्योग की और मैंने कहा उद्योग परिवार। अब समय है कि हम आगरा इंडस्ट्रीज से जो सुझाव आए हैं उन्हें शामिल करें। सबसे पहले हम रुख करते हैं मनीष अग्रवाल जी का, जो कि प्रेसिडेंट हैं नेशनल चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। के जो आज के हालात हैं उनको देखते हुए चारों ओर तराई तराई मची हुई है, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है अवेलेबल, तो क्यों ना जो आगरा में सैकड़ों होटल्स हैं, बजट होटल्स हैं, उनको आइसोलेशन सेंटर बनाया जाता। जो हालात खराब हो रहे हैं हेल्थ के सेक्टर पर अब काम करने की बहुत आवश्यकता है। आगरा में काफ़ी हॉस्पिटल्स भी हैं, लेकिन जो आज के हालात को देखते हुए क्यों ना आगरा में कैपिटल ऑफ मेडिकल हब की स्थापना की जाए। राकेश जी, जैसे मनीष साहब कह रहे हैं कि होटल्स का इस्तेमाल जो है वो कोविड आइसोलेशन सेंटर के रूप में करना चाहिए, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? दो दिन पहले जिलाधिकारी महोदय से ही बात हुई थी, उनका कहना है ना तो अभी कोई प्रस्ताव वहां से आया और अभी आवश्यकता भी ऐसी नहीं लग रही है, क्योंकि अधिकतर लोग आइसोलेशन घर में कर रहे हैं। अगर किसी को क्वारंटाइन होने के लिए आवश्यकता होगी और ऐसी मांग आएगी तो इस पर बिल्कुल होना चाहिए आगरा के अंदर। इस समय नो डाउट होटल इंडस्ट्रीज बहुत मुश्किल के दौर में है, उसको भी आराम मिलेगा ऐसा मेरा मानना है, लेकिन ये मांग उन्हें प्रशासन पे भी रखनी चाहिए और उनका आपने कहा है तो मैं भी उनकी बात को आगे बढ़ाऊं। डावर साहब ये बता सके, मनीष जी का ये भी कहना है कि आगरा को बतौर मेडिकल सेंटर प्रमोट करना चाहिए, इससे एमएसएमईज के सामने नए मौके आएंगे, आपकी राय? देखिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये ऐसी उद्योग नहीं है जो रातों रात खड़े हो सकते हो। उद्यमी प्रयास कर रहे हैं कि इम्पोर्ट से या किसी तरह से व्यवस्थाओं को किया जा सके। आगरा में भी अभी ऑक्सीजन के 3 नए प्लांट आए हैं, ये उद्यमियों ने ही खड़े किए हैं। प्रशासन का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है कि उनको जल्द से जल्द पूरा कराने में, और उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष तौर पर इन ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर एक बड़ी सब्सिडी की घोषणा भी की है और उद्योगों पर ऋण की भी जो जल्दी ऋण मुहैया कराने की घोषणा की है, पर निश्चित रूप से राहत दे रही है। और आगरा में ऑक्सीजन के वितरण की व्यवस्था से अभी लोग भले खुश ना हो, लेकिन हम उसकी जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन, फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्दी लौटेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सुझाव हम शामिल करते हैं राजीव सक्सेना जी का, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा। इनका प्रश्न आई स्क्रीन पर लेते हैं। इनका कहना है कि आगरा में बड़ी संख्या में लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो कि फिलहाल काफी ज्यादा दबाव में है। ये कह रहे हैं इनके दो एस्पेक्ट्स हैं इनके प्रश्न के, पहला कि इस दौर में कंप्लायंसेस को कम करना चाहिए, और दूसरा सुझाव यह है कि जल्द ही इंडस्ट्री को रिलीफ पैकेज देना चाहिए। डावर साहब आप बता सकें, आप इनसे सहमत हैं कि जहां तक कंप्लायंसेस की बात है उस मोर्चे पर राहत मिलनी चाहिए? निश्चित रूप से पर्यटन उद्योग पिछले 4 साल से लगातार जूझ रहा है कंप्लायंस के लिए, और होटल्स को और हॉस्पिटल्स को विडंबना है कि हॉस्पिटल्स को आज आगरा में लगभग 150 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं, छोटे बड़े हॉस्पिटल्स ऐसे हैं, 4800 ऐसे हैं जो बिल्कुल तैयार खड़े हुए हैं सेवा देने के लिए, लेकिन वो कंप्लायंस के कारण उनको रेड कैटेगरी में रखा गया है, उनको शुरू नहीं होने दिया गया है। प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि वो इमीडिएट ये इस कंप्लायंस को पूरा कराएं और तुरंत प्रभाव से ये शुरू होने चाहिए, और ये किसी भी तरह से इनको रेड कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। होटल्स को भी रेड कैटेगरी में रखा गया है कि उनके अपने नियम है लिक्विड चार्ज के, और जबकि होटल्स पर्यावरण ही बेचती है, और मेरे हिसाब से कोई भी उद्योग प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए जो पर्यावरण या कंप्लायंस कर रहा हो, और कंप्लायंस कर पाना ये अगर इंडिपेंडेंट एजेंसीज कंप्लायंस कराएं तो निश्चित रूप से ये हम लोग कंप्लायंस में पीछे नहीं रहेंगे और पर्यावरण भी सुधरेंगे। राकेश जी आप बता सकें, राजीव जी को जहां तक इन्होंने रिलीफ पैकेज की बात की है, आप इनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इनका क्षेत्र वाकई काफी दबाव में चल रहा है। इसका एक
ठोस प्रस्ताव बना के दें कि इन सब की मदद किस तरीके से की जा सकती है। कोई भी एक हम निश्चित तौर पर एक मदद पूरे देश में मिलनी चाहिए, पर्यटन उद्योग के लोग काफी दुखी हैं, तो इसके लिए वो जो प्रस्ताव देंगे हम लोग उस प्रस्ताव को आगे बढ़ाएंगे। वैसे भी बात आपके माध्यम से हमारे पास आ गई है, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आइए अगले सुझाव की ओर चलते हैं। कुलदीप सिंह जी का ये सुझाव है, प्रेसिडेंट FAFM। मेरा सवाल है कि ये जो मोरेटोरियम फैसिलिटी हमारे को गवर्नमेंट ने दी, क्या वो ब्लेसिंग थी? क्योंकि जिस भी MSME या स्मॉल एक एंटरप्रेन्योर ने MSME लिया, ये मोरेटोरियम लिया है, उसको बैंकर इज नॉट अच्छी आंखों से उसको नहीं देखा जा रहा है। इट इज बीन मार्क्ड एज रेड लाइन, लाल निशान की तरीके से उसके अकाउंट में वो लगा दिया गया है, और अगर वो फर्दर किसी और लोन के लिए अप्लाई करता है, ये तो उससे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि क्या आपने मॉरेटोरियम लिया था। जूता, जो कि मेरे ख्याल से सेकेंड बिगेस्ट कमोडिटी है इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज लाने के लिए, हमारे पास एक भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जहां पर हम एक बायर सेलर हम मिल सकें और काम कर सकें। राकेश जी, जैसे कुलदीप साहब ने कहा है, इनका कहना है एंटरप्रेन्योर्स जो मॉरेटोरियम के लिए आगे बढ़े थे उन्हें बैंकर्स को सपोर्ट करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो RBI की तरफ से भी SMEs को राहत देने के लिए प्रयास फिर से किए गए हैं। आप क्या राय देना चाहेंगे कुलदीप जी को? RBI गवर्नर ने घोषणा की है 25 करोड़ तक के लोन को रीस्ट्रक्चरिंग और जो मोरेटोरियम है उसे 2 वर्ष के लिए और एक्सटेंशन करने की। मैं बिल्कुल ये बात कहूंगा, अगर कहीं भी कोई शिकायत आती है तो मुझ तक पहुंचाएं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं किसी भी उद्यमी की बैंक संबंधी शिकायत को हम सीधे वित्त मंत्रालय तक पहुंचाएंगे, और चूंकि वित्त मंत्रालय से हमारा सीधा लिंक रहता है लघु उद्योग भारती के नाते से, तो हम उनकी समस्याओं को पहले भी हमने दूर कराया है और आगे भी कराएंगे। ये बात इस समय बिल्कुल ठीक है कि अगर उनको बैंक वाले परेशान करते हैं या तकलीफ देते हैं तो उनकी समस्या का समाधान होगा, उनकी बात जन। टावर साहब ये भी बता सकें, इनका कहना है कि नई अपॉर्चुनिटीज के लिए ऑनलाइन बायर सेलर मीट को प्रमोट करना चाहिए। निश्चित रूप से ये एक हमको जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म है ये हमको अपॉर्चुनिटी के रूप में मिले हैं। ये पहले भी उपलब्ध थे लेकिन यूज नहीं हो रहे थे, कोविड काल में हमको लगातार इनकी उपलब्धता बनी है, तो हमको इसका भरपूर प्रयोग करना चाहिए कि कंसल्टेंसी फर्म से या सरकार को कंसल्टेंसी फर्म को सपोर्ट करना चाहिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स, और जितने भी ये नई तकनीक है, नई योजनाएं हैं, क्या क्या संभावनाएं भारत में हो सकती हैं, क्या क्या भारत में आसानी से बन सकता है, ऐसे उद्योगों के लिए अवेयरनेस और टेक्नोलॉजी निश्चित रूप से वर्चुअल प्रोग्राम्स के माध्यम से आनी चाहिए और सरकार को इनको इन सारे प्रोग्राम्स को सपोर्ट करना चाहिए। और जहां तक हमारी मुझे सूचना है, सरकार खासतौर से MSME विभाग नितिन गडकरी जी इसमें बहुत ज्यादा प्रयासरत है भी। आखिरी सुझाव आई अब हम शामिल करते हैं, भूपेश अग्रवाल जी का है जो कि प्रेसिडेंट हैं लघु उद्योग भारती आगरा। इस कोरोना काल में जो सबसे ज्यादा हिट हुआ है सेक्टर वो है माइक्रो सेक्टर। सरकार ने माइक्रो सेक्टर के सुधार के लिए क्या करना चाहिए, माइक्रो सेक्टर को क्या रिलीफ देना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि MSME में भी सबसे ज्यादा जिस सेक्टर को इफेक्ट हुआ है वो माइक्रो सेक्टर है। माइक्रो सेक्टर के अंतर्गत बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्रीज आती हैं, कोरोना काल में उनका काम बंद हो जाने से उनको सबसे ज्यादा पूंजी का असर पड़ा है, उनके पास सबसे ज्यादा फंड्स की प्रॉब्लम हुई है, उनके पास बिजनेस खत्म हो चुका है। सरकार को निश्चित तौर पर उसके आगे उस सेक्टर को रिलीफ देने के लिए कुछ करना चाहिए, और सरकार क्या कर रही है मैं ये जानना चाहूंगा। राकेश जी, भूपेश जी का कहना है कि MSMEs में खासकर जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं उन्हें मेजर रिलीफ देना चाहिए क्योंकि वो सबसे ज्यादा दबाव में है, सबसे ज्यादा प्रेशर में है। आप क्या कहना चाहेंगे? माइक्रो 4 करोड़ हैं देश भर में, और उनको ना तो कोई सिक्योरिटी कवर है, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों को, और छोटे वेंडर होने के कारण से, छोटे लोग होने के कारण से, छोटे उद्योग होने के कारण से उनको बहुत मार पड़ रही है। पिछली सरकार ने 50,000 से लेकर के इनको 10 लाख तक कोई भी कोलोटल फ्री सिक्योरिटी फ्री लोन की घोषणा की थी, हमने काफ़ी लोगों को दिलवाए भी जो आए, और हम ये चाहते हैं इस वर्ष भी सरकार उनके लिए कोई विशेष पैकेज दे, ये हमारी भी मांग रहेगी और हम इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि उनके पास वाकई सुरक्षा कवर नहीं है। 4 करोड़ इस तरह के लोग जो परेशान हैं,
अगर उनको कवर मिलेगा तो बाय एंड लार्ज देखेंगे देश में बहुत बड़े लोग अधिक संख्या में लोगों को आराम मिलेगा। सबसे ज्यादा अगर कोई राहत के पात्र हैं तो वही माइक्रो यूनिट्स हैं, निश्चित रूप से ये टॉप प्रायोरिटी पर, सरकार की टॉप प्रायोरिटी पर होने ही चाहिए। और उनको जैसे माइक्रो यूनिट्स खासतौर से जो खाद्य पदार्थ हैं जो इस समय की जरूरत है, ऐसे उद्योगों की तरफ कई अपने अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। आगरा से इन सभी सुझावों के लिए शुक्रिया राकेश गर्ग जी, थैंक यू। पूरन डावर साहब, आपका भी धन्यवाद कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए। अंत में चलते चलते हम आपसे यही कहना चाहेंगे, मुश्किलों के बीच ना हताश हो ना निराश, चुनौतियों से डरे नहीं बल्कि मजबूती के साथ उनका सामना करें, क्योंकि ये इम्तिहान का दौर है और हर इम्तिहान एक नया सबक जरूर सिखाता है। अगले हफ्ते एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन में हम एक नए शहर के एमएसएमईज के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। फिलहाल नमस्कार।